अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ यास्मीन खान। नूर किचन में आपका स्वागत है। आज हम बेसन की भरवा भिंडी बनाएंगे। इसके लिए हमने ये भिंडी ली है जिनको हमने आगे पीछे से काट लिया है, और ये बेसन है 3 चम्मच, ये 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून नमक है, 1 चुटकी हल्दी है, ये थोड़ा अमचूर है। आइए दोस्तों बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भिंडी को बीच में से चीरा लगाएंगे इस तरह से। हमें इसमें मसाला भरना है। सारी भिंडी इस तरह से चीरनी है हमें। देखिए दोस्तों, हमने सारी भिंडी की चीरा लगा लिया है इस तरह से। सारी भिंडी की चीरा लगा लिया हमने। अब हम बेसन सेकेंगे। इसके लिए हम गैस ऑन करेंगे। देखा दोस्तों, हमें बेसन को धीमी आंच में सेकना है इस तरह से। हल्का ब्राउन होने तक। देखिए दोस्तों, हमारा बेसन का कलर चेंज हो चुका है, हमारा बेसन सीख चुका है। अब गैस बंद करेंगे हम, थोड़ा ठंडा होने देंगे इसे। दूसरी प्लेट में निकालेंगे हम, दूसरी प्लेट में निकालेंगे हम। देखिए दोस्तों, हमारा बेसन ठंडा हो चुका है। इसमें मसाला डालेंगे हम, अमचूर पाउडर है ये, धनिया पाउडर, मिर्च है। इसमें हल्का सा तेल डालेंगे ताकि हमारा मसाला बाहर निकले भिंडी से। ये नमक है, ये भी डालेंगे इसके अंदर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। एकदम मिक्स करना सारा मसाला, एक से बेसन मिल जाना चाहिए। बेसन में मसाला मिक्स कर लिया है हमने। अब इसमें भिंडी में मसाला भरेंगे हम, बेसन इस तरह से चम्मच की सहायता से। इस तरह से भरनी है हमें चम्मच की सहायता से। सारी भिंडी इसी तरह से भरनी है। देखिए दोस्तों, हमने सारी भिंडी बेसन में भर ली है। अब इसे हम बनाएंगे। सबसे पहले हम गैस स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम हींग डालेंगे, जीरा डालेंगे, ये हल्दी डालेंगे इसके अंदर, ये हमारी भिंडी में कलर आ सके। गैस को कम कर देंगे। बड़े हल्के हाथ से बनाना है इसे। अच्छे से मिक्स करना है ऑयल में इसे। सिर्फ 3 मिनट के लिए ढक के पकाना है धीमी आंच में। अच्छे से बराबर कर देंगे इसे, इसे भी ढक देंगे हम। आइए दोस्तों, हम चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी भिंडी बन चुकी है एकदम मरवा भिंडी। अब इसे हम सर्विंग बोल में सर्व करेंगे। गैस बंद कर देते हैं हम। देखिए दोस्तों, हमारी बेसन की भरवा भिंडी बनकर रेडी हो चुकी हैं।
आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।